जी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हमीदुल्ला मेरा नाम है, मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके मनाने का मकसद है लोगों को ब्लड प्रेशर के मुतालिक आगाही करना, लोगों को अवेयरनेस देना। ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी है। ब्लड प्रेशर जिसको हो रहा होता है उसको सबसे पहले तो बेसिकली ब्रेन हैमरेज होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से बंदा माजूर हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर मुसलसल रहने से गुर्दे फेल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर मुसलसल रहने से हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। तो ये तीन चार चीजें जो बड़ी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हैं, अगर कोई उसमें से एक भी नुकसान हो जाए, साइड इफेक्ट इसका, तो जिंदगी बिल्कुल माजूरी की तरफ चली जाती है। तो ब्लड प्रेशर का कैसे होना, कैसे पता चलेगा, उसके लिए सबसे पहले इंसान को अगर सर में किसी को दर्द रह रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कनपट्टियों पर प्रेशर रह रहा है, चढ़चढ़ापन आ रहा है, तो वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए। मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि कुछ लोगों को साइलेंट होता है, खामोशी, यानी उसको पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए इसको कहते हैं खामोश कातिल। तो उनको भी वैसे भी ब्लड प्रेशर कम अज कम 30 साल के बाद अपना चेक करते रहना चाहिए, अगर है तो फिर उसका इलाज हो जाता है।